एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो। तो शुरू करते हैं गाइस। इससे हम देखेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स, टैरो से हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। और ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं जो कि एंजल्स की तरफ से कुछ ड्रीम चैनलिंग्स हैं, कुछ मैसेजेस हैं, और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ हैं जो मैं बाद में ओपन करूँगी, पहले हम इससे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लास्ट वीक में मैंने आपसे कहा था अनएक्सपेक्टेड में कि फायर से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आ सकती है, तो फायर से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आई। असम में बहुत बड़ी जो शॉप्स की दुकानें थी, लाइन से मतलब मार्केट था बहुत बड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी है, 150 शॉप्स जल गई हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से आपने देखा फायर की न्यूज़ आई, यूएसए से आपने सुना कि फायर की बहुत बड़ी न्यूज़ आई, ठीक है, फ्लोरिडा से फायर की बहुत बड़ी न्यूज़ आई। तो फायर से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आई, ऐसा आप में से ही कई लोगों ने मुझे बताया, फिर बाद में मैंने चेक किया। तो गाइस शुरू करते हैं, देखते हैं इस हफ्ते में क्या होगा अनएक्सपेक्टेड। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है एंजल्स जो अनएक्सपेक्टेड हो। शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। मैंने कहा था मास लॉसेस की एनर्जी है अभी भी टर्की वाले प्रेडिक्शन के बाद, और न्यूजीलैंड से खबर आई कि बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग हैं, हज़ारों लोग मिसिंग हैं, वहाँ पे कुछ साइक्लोन आया हुआ है, और 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है, उसके पहले फ्लड आया हुआ था और अब साइक्लोन आया हुआ है, भूकंप भी आया 6.1 की तीव्रता का। तो यहाँ पर आज फिर से डेथ की न्यूज़ आ गई है, गॉड नोज़ क्यों आई है, क्या बताना चाहती है। तो शुरू करते हैं गाइस वन बाय वन। सबसे पहले जो बॉटम ऑफ द डेक है वो बता रहा है सोल लॉस, किसी तरह का हार्टेक, किसी तरह के बैड न्यूज़ रिलेटेड विद डेथ, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि कुछ पेंडिंग केसेस ख़त्म हों, कुछ पेंडिंग रिलेशनशिप ख़त्म हो जो कि बहुत टाइम से अटके हुए थे, क्लैरिटी नहीं थी, वो रिलेशनशिप्स भी यहाँ पर क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। जैसे कई लोग होते हैं कि मैम 5 साल हो गए केसेस लड़ रहे हैं, कब ख़त्म होगा केस, या मैम इस टॉक्सिक सिचुएशन को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं बट ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ आपको मिलेगी टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन। हो सकता है काफ़ी सालों से आप कोई निर्णय लेना चाह रहे थे बट नहीं ले पा रहे थे, आपके अंदर उतना करेज नहीं था, आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे जो आपके लिए बहुत मुश्किल हैं। प्लस काफ़ी लोगों को यहाँ पर हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, हेल्थ इश्यूज़ आपकी आपके फैमिली में किसी की नज़र आ रही है, स्पेशली ध्यान दें बच्चों का और बुज़ुर्ग का, बच्चे एंड एल्डर पीपल बहुत ध्यान दें। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है उसके अकॉर्डिंग अनएक्सपेक्टेडली आप में से कई लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी के साथ, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि आपने सोचा नहीं होगा, सडनली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, सडनली जैसे होता ना तिल का पहाड़ बना देना तो या राई का पहाड़ बना देना, कुछ ऐसा ही है। तो मतलब कोई छोटी सी बात होगी, बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी और वो बहुत बढ़ जाएगी, तो ध्यान दें इस बात का, क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो आपको अनएक्सपेक्टेड रीडिंग देखने का मतलब यही है कि ऐसा ना हो, अगर होने वाला भी हो तो वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाएं, टल जाएं, निकल जाएं आपके लाइफ से वो नेगेटिविटी। कुछ लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेंस नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं से कुछ गेंस होंगे जिसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या आपका कोई RD FD कुछ ना कुछ लमसम में आपको मिलेगा जिसको आप फ्लैट प्लॉट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, या कोई फैमिली फंक्शन के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पेट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है आपके घर में कोई पेट आए,
छोटा बड़ा बट पेट आ सकता है, पेट एनिमल। साथ ही साथ कुछ लोगों को घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे घर में पेंटिंग या घर में रिनोवेशन या घर में या न्यू घर में एंट्री या घर में किसी बुज़ुर्ग का आना, ये चीज़ें यहाँ पे मतलब फैमिली से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, या आपका किसी फैमिली में जाना। कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली डिप्रेशन में आ सकते हैं, और डिप्रेशन किस बात का, आपके पास है सब कुछ फिर भी आप निराश हैं उन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं हैं, तो बेटर है टू डाइवर्ट योर फोकस ऑन दैट थिंग जो कि आपके लाइफ में है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे आपकी लाइफ भरी हुई है, काफ़ी अबंडेंट है, बट आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर है जो आप नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो इससे आपको डिप्रेशन हो रहा है। तो जब आप उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपके लाइफ में है, तो आपका डिप्रेशन खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो किसी बात का अगर आपको निराशा हो या किसी बात को लेकर आप होपलेस फील करें, तो हमेशा उन लोगों को देखें जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। तो आपके अंदर खुद को ग्रैटिट्यूड और भगवान के लिए ग्रैटिट्यूड खुद ही आ जाएगा कि हे प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ है, इनके पास तो बहुत मुश्किल है, तो जब ये जी सकते हैं, जब ये चेहरे पर स्माइल ला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। आपका डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है जो मैसेज, वो ये बता रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, स्पेशली अगर आप विडो हैं, विडोअर हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चेंज। अनएक्सपेक्टेडली आपको जॉब लग सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कोई दूसरा रिश्ता आ सकता है, अच्छे घर का रिश्ता आ सकता है, मतलब छोटा बड़ा कुछ ना कुछ सडन चेंज, इसे आप ब्लेसिंग्स के रूप में देख सकते हैं। प्लस कुछ लोगों की दादी, बुआ, बड़ी मम्मी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, दादी, बुआ, बड़ी मम्मी या इवन नानी। नेक्स्ट, कुछ लोगों को अपनों से बहुत बुरी तरह से धोखा मिलेगा गाइस आने वाले हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड धोखा, जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बुरी तरह से आपको धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए हो सकता है आप डिप्रेशन में हो, इसीलिए हो सकता है ये भी कार्ड आया हो। लिंक करें तो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, बट अगर लिंक ना भी करें तो कुछ लोगों को सडन धोखा मिल रहा है। स्पेशली अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, कहीं जाने के लिए पैसे दिए हैं, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड बहुत बड़ा धोखा है, तो ध्यान दें अगर आपने पैसे वैसे दिए हैं किसी को, तो स्पेशली रिलेटेड विद प्लॉट, स्पेशली रिलेटेड विद वीज़ा, पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही हैं। नेक्स्ट, कोर्ट जाना पड़ सकता है कुछ लोगों को, कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है, कोर्ट कचहरी की कोई डेट हो सकती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। प्लस किसी कार्मिक से ट्रिगर मिलेगा, पिछले जन्म के कोई पेंडिंग कर्मा बैलेंस होंगे, ये भी चीज़ें हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ से निकल आई हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड कार्ड्स मैंने पहले से निकाल कर रखे थे, इन्हें हम देखेंगे कि क्या इनमें से रिलेटेड है। पहला है कोर्ट हाउस, यस। दूसरा है थीफ, धोखा मिलने की एनर्जी है, चोरी की एनर्जी एक्चुअली। तो यहाँ चोरी, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों का पैसा चोरी हो सकता है, पैसा धोखा मिल सकता है पैसे से रिलेटेड, यहाँ पर थीफ का कार्ड है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है। लवर्स की एनर्जी है जो कि यहाँ नहीं आई है, टेन ऑफ पेंटिकल ज़रूर आया है कंप्लीशन का, बट यहाँ लवर्स की एनर्जी है, तो बहुत सारे लवर्स का यूनियन जिनका हो चुका है, उनकी अच्छी ज़िंदगी बीतेगी, काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, घूमना फिरना, अच्छा टाइम स्पेंड करना। और अगर आप यूनाइटेड नहीं हैं तो यहाँ पर यूनाइट होने की एनर्जी है। प्लस आपके लाइफ में किसी सोलमेट की एंट्री हो सकती है इफ़ यू आर सिंगल। इम्प्रिजनमेंट, कुछ लोगों को जेल हो सकती है, अरे बाप रे, बहुत बच बचा के रहिए, बहस ना करिए किसी से भी। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी गलती ना भी हो, बट कुछ लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, या आपकी फैमिली में किसी को जिसको आप छुड़ाने जाएं, मतलब जेल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। कुछ लोग काफ़ी दूर की सोचेंगे, आने वाले हफ्ते में हो सकता है आप काफ़ी दूर की चीज़ें आपको दिख जाएँ, कुछ होने वाला है आपके लाइफ में फ्यूचर में, वो चीज़ें आपको दिख जाएँ, कोई ज्ञान आपको प्राप्त हो रिलेटेड विद डिवाइन, रिलेटेड विद आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है।
फैमिली रूम सेम एनर्जी है जो पहले आ चुकी है, काफ़ी लोग फैमिली में मिल सकते हैं, फर्नीचर खरीद सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ग्रेट फॉर्चून, कई लोगों को बहुत बड़ा लक, जैसे जैसे कोई सडनली स्टार बन जाए, सडनली फेमस हो जाए, सडनली उसकी कोई चीज़ें वायरल हो जाएं, सडनली उसके लाइफ में कुछ लक आ जाए, सडनली बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आ जाए। आपकी शादी नहीं हो रही थी बरसों से, आप मतलब काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे थे, रिश्ते टूट जा रहे थे, इंगेजमेंट टूट जा रही थी या शादी फिक्स नहीं हो रही थी, सडनली कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो आपको लगे कि ओ माई गॉड, ये मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें कई लोगों के साथ। बच्चों से रिलेटेड ध्यान दें, आने वाले टाइम में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद किड्स, प्लस बच्चों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फॉल्स पर्सन, यहाँ पे आया था धोखा, यहाँ से फॉल्स पर्सन पहले से आया हुआ है, ये कार्ड्स मैंने पहले से निकाल कर रखे थे और वही कार्ड्स यहाँ भी आए हैं ऑलमोस्ट। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैंने बताया है आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी। एक्सपेक्टेशन, कुछ लोगों से आप एक्सपेक्टेशन रखे हैं वही लोग आपको धोखा देंगे, या हो सकता है कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उससे रिलेटेड कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं। तो ये गाइस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है जिन्हें रीडिंग से, स्पेशली मेजर अरकाना से घबराहट हो रही है, वो थोड़ा सा वीडियो चाहें तो स्किप कर लें क्योंकि मेजर अरकाना काफ़ी कुछ बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एंजल की जो गाइडेंस है, ड्रीम्स चैनलिंग है, ये मैं लास्ट में करूँगी। तो शुरू करते हैं, देखते हैं महादेव इस हफ्ते में क्या बताना चाहते हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंजल्स, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है ओवर एंड ऑल जो अनएक्सपेक्टेड हो। फाइव कार्ड्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। भैया कोर्ट कचहरी तो फाइनल है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा निर्णय होने वाला है, कोई जस्टिस होने वाला है, कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, सडन डिसीजन हो सकता है। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन है, ऐसा लग रहा है डिवाइन की मर्जी से होगा, जो कुछ भी होगा उसे आपको एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट अनएक्सपेक्टेड न्यूज, फोर मोर कार्ड्स एंजल्स। स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए टैरो से भी आया था, मेजर अरकाना से वापस आ गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़े डिसीजंस होंगे जिसमें बहुत ताकत लगेगी। हो सकता है कि आप ज़िद में आकर भी कोई डिसीजन लें अनएक्सपेक्टेड, या आपके ऊपर थोपा जाए, और हेल्थ का ध्यान रखें। थर्ड देखिए ग्रेट फॉर्चून पहले भी आया था, यहाँ से भी आया है, काफ़ी लोगों का लक सडन चेंज होगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा। ख़राब कर्म होंगे तो बहुत नेगेटिव चेंज भी हो सकता है, अच्छा खासा बिजनेस पूरी तरह से डूब जाए, या जॉब ही चली जाए बहुत अच्छी, या बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए सडनली, तो आप समझ लेना कि आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से ये ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं। ये जो कुछ भी है ये सैटर्न का इम्पैक्ट होगा, सैटर्न का इम्पैक्ट होगा कलेक्टिव पर। टू मोर कार्ड्स एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, सडन शादी से रिलेटेड चीज़ें, सडन ये हो सकता है कि आपकी मैरिज में कोई ऐसी न्यूज़ मिले, या मैरिज में कोई बड़े चेंजेस आए, या शादी सिंगल हैं तो शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। प्लस काफ़ी लोगों को बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, लॉ फील्ड में एडवोकेट या लॉ फील्ड का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, टीचिंग से रिलेटेड भी कोई एग्ज़ाम्स क्लियर हो सकते हैं। लास्ट मैसेज एंजल्स, ओके द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, वर्ल्ड रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकती है, कैसी न्यूज़ एंजल्स। वर्ल्ड रिलेटेड कोई न्यूज़ है रिलेटेड विद, कुछ फीमेल से रिलेटेड भी हो सकता है, और कुछ ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो मासेस को इफ़ेक्ट करे। टैरो से क्लैरिफाई करते हैं द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आए हैं एंजल्स।
यस, मासेस को इफेक्ट करने की एनर्जी है, जैसे बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। कुछ बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। ओके चलिए, जो होगा महादेव की इच्छा। शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं चैनलिंग्स, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते में। वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर या इंडिया में वेस्ट डायरेक्शन, दोनों में से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है। साथ ही साथ काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिलेंगे, काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अनलॉक होगी, काफ़ी लोगों को, अच्छा ऊपर जैसे होता है ना अरुणाचल प्रदेश या हिमालय से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, कोई न्यूज़ आ सकती है छोटी बड़ी, बट यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्रेशंस हैं। काफ़ी स्टिक रहना आपको किसी सिचुएशन में, जैसे पेड़ होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कहा जाता है, स्ट्रांग विल पावर होता है ट्री का, जो जन्मों जन्मों तक, जैसे हमारी कई पीढ़ी देख चुकी है, हमारे बगल में एक बरगद का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, तो कई पीढ़ियाँ देख चुकी हैं उस पेड़ को, तो उस तरीके की एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी अनएक्सपेक्टेडली। कुछ बड़ा शिफ्ट होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ मेजर शिफ्ट होंगे, अर्थ प्लैनेट पर भी कुछ चीज़ें शिफ्ट होंगी। यहाँ पर बहुत बारीक चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट हो सकता है, आपके लाइफ में कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं जो बहुत आप नोटिस भी नहीं करते, बट वो आपको आगे चल के काफ़ी अफेक्ट कर सकती हैं। फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, या पेड़ पौधों से रिलेटेड, फॉरेस्ट की एनर्जी है, फॉरेस्ट टीयर्स की एनर्जी है, जंगल रो रहे हैं, तो एनिमल्स या पेड़ पौधे ही रहते हैं फॉरेस्ट में, तो इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है। सोल लॉस की एनर्जी है, वहाँ से डेथ आया था टैरो से, यहाँ से सोल लॉस है। द एंशियंट की एनर्जी है, कुछ चेंजेस लेकर आने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, जैसे पिछले मतलब पहले के जो लोग थे, जिस तरीके से रहते थे, बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पर डिपेंडेंट थे, बहुत ज़्यादा एनिमल लवर थे, बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली चीज़ों पर निर्भर थे, तो कुछ उस तरीके से अपनी लाइफ को कन्वर्ट कर लें, बहुत ज़्यादा इस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, थोड़ा सा खुद को, खुद की एनर्जीज को दूर रखें, बहुत ज़्यादा मोबाइल, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा टीवी, बहुत ज़्यादा लैपटॉप, इन सब से थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप नेचुरल बेस्ड लाइफ जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब कई लोग कहेंगे कि मैम हमारा तो काम ही उस पर है, तो बात सही है, बट यहाँ पर जो मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, हो सकता है आज आपको हल्का लग रहा है बट आगे चल के आपको वही चीज़ें अफेक्ट करने लगें। तो ये मैसेजेस हैं गाइस एंजल्स की तरफ से। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग, तो सबसे पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग बता देती हूँ। आप में से कई लोगों को ऐसा ड्रीम आ सकता है जो कि आप किसी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप किसी के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, भाई हो, दोस्त हो, लवर हो, किसी के लिए आप खड़े हैं, किसी के लिए आप दुनिया से लड़ सकते हैं, इस तरीके का कोई ड्रीम आपको, आप में से कुछ लोगों को आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम आएंगे जैसे आप लाइन लगी है और आप कहीं जाना है आपको, या तो बस या तो ट्रेन, कहीं ना कहीं की आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप पकड़ लेंगे, या तो आप छोड़ देंगे, या तो आप चढ़कर उतर जाएंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके के ड्रीम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दूध, स्पेशली येलो कलर का दूध, जैसे होता है ना केसरिया दूध, हम लोग शादी वादी में बहुत ज़्यादा चलता है, तो कुछ उस तरीके की ड्रीम्स आपको आ सकते हैं जो कि काफ़ी शुभ है, बट इस तरीके के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। खीर नज़र आ सकती है ड्रीम में, या आप कुछ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ खाना या सर्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को ड्रीम में अनएक्सपेक्टेडली किसी एनिमल से कोई मैसेज मिलेगा, पॉजिटिव होगा अगर वो शांत है या आपसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो अटैक कर रहा है, आपको घायल कर रहा है या आपको खा रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी नेगेटिव हो सकती हैं। ऐसे में अपने एनिमीज से आपको बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ड्रीम में किसी तरह का कलर दिख सकता है, कलरफुल क्लोथ्स दिख सकते हैं, या आप कुछ खरीद रहे हैं, या आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको कोई लेडी दिखे किसी कलरफुल साड़ी में,
रेड या येलो या वाइट या ब्लैक, डिपेंड्स कि आप क्या देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड। अब हम देखेंगे ड्रीम्स जो एंजल्स ने दिए हैं फॉर दिस वीक, किस तरीके के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। काफ़ी लोगों को पेड़ से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, काफ़ी लोगों को डक्स या डव कपल ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, काफ़ी लोगों को हार्ट शेप नज़र आ सकता है, बुक से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड ड्रीम्स आ सकते हैं, डॉग से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। यहाँ पे कई लोगों को पाम ट्री से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, तूफान नज़र आ सकता है, टर्टल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, स्नेक या फिश आ सकता है, की नज़र आ सकती है या केज नज़र आ सकता है, सीढ़ी नज़र आ सकती है, स्टेयर्स, जेम्स नज़र आ सकते हैं, काफ़ी ग्रुप ऑफ बर्ड्स नज़र आ सकते हैं, बटरफ्लाई, मंगूज या बेर फ्रूट नज़र आ सकता है, या आपको पतझड़ का मौसम नज़र आ सकता है कि आप कहीं खड़े हैं वहाँ खूब सारी पत्तियाँ हैं या पत्तियाँ आपके सामने गिर रही हैं, इस तरीके की चीज़ आपको नज़र आ सकती है। यहाँ पर देखिए बहुत ड्रीम्स होते हैं जिनके मीनिंग्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड में मैं आपको ड्रीम्स इसलिए बताती हूँ ताकि आप देख सकें कि क्या अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइनली गाइडेड हैं तो काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर सकती हैं। साथ ही साथ मीनिंग्स क्या होते हैं ड्रीम के वो मैं बताने बैठूंगी तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, मीनिंग्स के लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको गाइडेंस मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो। आने वाले समय में ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हों तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। महादेव से यही प्रार्थना करूँगी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब आपके लाइफ में हों, जितनी भी शुभ चीज़ें हैं और जितनी भी बैड चीज़ें हैं वो टल जाएँ, रिलीज़ हो जाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।